बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 को एंड किया था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। उसके 10 न्यूमेरिकल थे और 10 न्यूमेरिकल्स आपको मैंने करवाए थे, ठीक है। तो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो है चैप्टर नंबर 5, ग्रेविटेशन, ठीक है। ये चैप्टर नंबर A नंबर 107 आप इसके ओपन कर लें, और इस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। अच्छा बेटा, सबसे पहले जो कंसेप्ट है ग्रेविटी का, वो आइज़ैक न्यूटन ने पेश किया था। आपने पहले मिडिल क्लासेस में ये बात सुनी होगी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटी का कंसेप्ट न्यूटन के नाम से आप जानते होंगे। इसका पूरा नाम है आइज़ैक न्यूटन, ठीक है। इसने क्या किया कि ये अपने बागीचे के अंदर बैठा हुआ था और सेब के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था ये, ठीक है। तो अचानक इसने नोट किया कि सेब टूटा और वो नीचे की तरफ गिर गया, ठीक है। तब इसके माइंड में ये बात आई कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा है, ये ऊपर क्यों नहीं गया, क्लियर है। यानी इस क्वेश्चन ने इसके अंदर ये तजस्सुस पैदा कर दिया कि इसने लॉ ऑफ ग्रेविटी या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कंसेप्ट हमारे जहन में इसका क्वेश्चन पैदा कर दिया कि इसका भी कोई कंसेप्ट होता है कि अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरे तो उसके पीछे भी क्या लॉजिक हो सकती है। तो बेटा उसने इसका नाम दिया ग्रेविटी। क्या नाम दिया बेटा? आइज़ैक न्यूटन ने इसे ग्रेविटी। ये अर्थ हमेशा हर चीज़ को अपनी तरफ यानी डाउन द अर्थ अट्रैक्ट करती है, उसको हम नाम देते हैं ग्रेविटी का, ठीक है बेटा। और उसके बाद मैंने आपको बताया जैसे एक एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर उसने एक एप्पल को टूटते हुए देखा और एप्पल ऊपर से नीचे तरफ गिरा, ठीक है। तो इस वजह से इसके माइंड में क्वेश्चन पैदा हुआ कि हर चीज़ ऊपर से नीचे तरफ क्यों गिरती है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो उसने ये सोचा, उसने ये कंक्लूड किया, ये नतीजा निकाला कि अर्थ के अंदर एक फोर्स है जिसका नाम है ग्रेविटी, वो इस ग्रेविटी की मदद से हर ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है बेटा। तो ये आप एम्स लगा सकते हैं कि विच साइंटिस्ट गिव द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी। तो अब चार ऑप्शन आएंगे, चार में से एक आइज़ैक न्यूटन का भी नेम होगा, तो आपने ये वहीं से कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने सोचा होगा कि जो प्लैनेट्स हैं हमारी अर्थ के गिर्द, जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो किस वजह से रिवॉल्व करते हैं बेटा? वो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से रिवॉल्व करते हैं। अर्थ की अपनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो दूसरे प्लैनेट पर एग्जर्ट करता है, उसके बाद वो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं इसके गिर्द, ठीक है। यानी कि हर प्लैनेट की कुछ ना कुछ ग्रेविटी की फोर्स होती है जिससे वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और इसी वजह से ये सर्कुलर वे में, एलिप्टिकल वे में अपने रोटेशन कंप्लीट करते रहते हैं। तो बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन बेटा ये वाला, एक्सप्लेन लॉ ऑफ, एक्सप्लेन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करना है। तो बेटा इसका आंसर पेज नंबर 107 पर लिखा हुआ है, उसकी पर डेफिनेशन लिखी है कि मैं सिर्फ मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि इस लॉ के मुताबिक एक फोर्स जनरेट होती है दो बॉडीज के दरमियान, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों की मैसेज के ऊपर, ठीक है। तो आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 107 ओपन कर लें, तो वहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन ठीक है इस लॉ के मुताबिक हर इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स एक फोर्स के साथ विच इज डायरेक्टली प्रोमोशनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस तो सपोज करें यहाँ पे हम दो मैसेस की बात कर रहे हैं मैस वन एम वन और एम टू की तो कह रहा है कि अट्रैक्ट्स अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बड़ा यहाँ पे लिखूँ कि फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसी डेफिनेशन के अंदर से हमें निकाला कि विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस यानी कि प्रोडक्ट का मतलब है कि मल्टीप्लाई एम वन मल्टीप्लाई बाय एम टू और इसको मैं नाम दे दिया इक्वेशन नंबर वन का क्लियर यानी कि डेफिनेशन के अंदर से हमने बात निकाली कि एवरी बॉडी द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी विद अ फोर्स एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस उनके मैसेस के प्रोडक्ट के इक्वल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देम तो यही फोर्स इसके क्या है बेटा डिस्टेंस के स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर टू का ठीक है तो अगर मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाऊं सपोज ये हमारे पास है मैस वन और ये है मैस एम टू ठीक है ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो सपोज तो ये एम वन इस तरफ मूव करेगा और एम टू इस तरफ मूव करेगा ठीक है तो इस पर फोर्स होगी एफ और इस पर फोर्स क्या होगी एफ लेकिन इस पर साइन आएगा साथ नेगेटिव इस नेगेटिव के साइन का मतलब ये है कि ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है क्लियर है तो इसके इनके दरमियान डिस्टेंस है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इनके सेंटर से लेके यहाँ से लेकर इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम नोट करते हैं डी के साथ इसके साथ बेटा डी के साथ तो इसी डेफिनेशन के मुताबिक कि ये जो मैसेज हैं एम वन और एम टू ये दोनों को आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि एम वन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और एम टू इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो फोर्सेस क्या हैं एम वन के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो एफ और जो एम टू के ऊपर फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू क्या है माइनस एफ का मतलब क्या है कि ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन है इस माइनस एफ का मतलब ये नहीं कि फोर्स कम है बेटा इस माइनस का मतलब यह है कि ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसलिए हमें इस फोर्स के साथ माइनस का सिंबल यहाँ पे ऐड किया हुआ है तो ये डायग्राम आपकी बुक में बनी है तो आप वहाँ से कर सकते हैं क्लियर है बेटा और जो आपका डिस्टेंस है वो इन स्क्वायर यानी जो मैसेज हैं उनके सेंटर से लेना है ठीक है यहाँ से नहीं लेना यहाँ से यहाँ तक लेना बल्कि जो इसका मैस का सेंटर पॉइंट है वहाँ से लेकर और इस मैस के सेंट्रल पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको हम डी के साथ शो करेंगे क्लियर है बेटा अब यहाँ पर देखें कि फोर्स वही पहले वाली रिलेशन थी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम वन और एम टू के यानी कि अगर हमारे पास मैसेज बहुत बड़े हैं तो उन्हें करीब लाने के लिए फोर्स भी हमें क्या लगानी पड़ेगी बेटा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी अगर सपोज ये मैस बड़े हैं इतने मैस हैं एम वन एम टू यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन अगर हम इस मैस को बड़ा कर दें इस मैस को बड़ा कर दें तो इसको करीब लाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी ज़्यादा होगी यानी कि अगर इन दोनों मैसेज का प्रोडक्ट ज़्यादा होता चला जाएगा तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो भी क्या होगी ज़्यादा लगती जाएगी क्लियर और दूसरा रिलेशन क्या है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा उतनी उनके दरमियान फोर्स क्या होगी बेटा कम होती जाएगी ठीक है यानी कि अगर ये डिस्टेंस यहाँ पर है ये मैस एम वन और एम टू इधर लाइक कर रही हैं इन पर जो फोर्स लग रही है वो ठीक है
लेकिन अगर हम इनको डिस्टेंस को ज्यादा कर दें कि एक मैच यहाँ पर है दूसरा मैच हमने यहाँ पर रख दिया है, तो इनके दरम्यान जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए इन्वर्सली का मतलब ये है कि अगर एक क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास डिस्टेंस जितना ज़्यादा करेंगे फोर्स उतनी क्या होती जाएगी, दोनों के दरम्यान कम होती जाएगी। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर वन और ये क्वेश्चन नंबर टू। अब आप करेंगे क्या, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें कि आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से क्या होगा बेटा, कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि एफ और एफ दो एफ है इनको सिंगल एफ में कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे ही, और बीच में आ गया प्रोपोर्शनल का साइन, और m1, m2 और नीचे कौन सी रकम बेटा b स्क्वायर, यानी इन दोनों इक्वेशन का मतलब हमने सिर्फ एक ही इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है, कंपेयर कर दिया है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे यहाँ से, तो इसकी जगह आ जाएगा इक्वल और कॉन्स्टेंट आएगा कैपिटल g m1 m2 ओवर b स्क्वायर, क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर देखिए g है ये क्या है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और बेटा इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 6.673 मल्टीप्लाई 10^-11 10^-11। अगर बेटा आप इसका यूनिट यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, तो बेटा इसके यूनिट बनेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू आ सकती है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, तो आपने वो लिखनी है 6.673 मल्टीप्लाई 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपकी बुक के पेज नंबर 107 जो टॉपिक शुरू हो रहा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेडिंग बनी हुई, जहाँ से लेकर नेक्स्ट पेज की जो हेडिंग बनी हुई ग्रीन हेडलाइन में कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इससे पहले पहले ये आपका कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा जिसके अंदर पूछेगा कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आप मेरा डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो करेंगे, और उसके बाद ये डेरिवेशन आप इसके साथ कर देंगे, ठीक है बेटा। बेटा यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप बेटा कमेंट्स में पूछ सकते हैं जी बेटा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूं कि हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक अगर हर चीज़ इस यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, और वो चीज़ जो अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को, उनके दरमियान एक फोर्स है, ठीक है, वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैसेज ज़्यादा होते जाएंगे, मैस बड़े होते जाएंगे, तो उनके दरमियान फोर्सेस भी क्या होंगी बेटा, बड़ी होती जाएंगी, ठीक है बेटा। और उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो फोर्स है ये किसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये है डिस्टेंस के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर हमने इसको कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने के बाद हमने प्रोपोर्शनल को ख़त्म किया, वहाँ पर एक कॉन्स्टेंट लगाया और उसका नाम है जी, जी एक ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और इस ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.673 इंटू 10^-11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद आपने मैंने बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करना 107 और 107 और 108 पर ही कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, ये देख लें तब तक। अब इसके बाद कुछ एमसीक्यू पॉइंटों की से आप बातें याद कर लें,
सपोज ये मैस ऑफ अर्थ ये अर्थ है ठीक है, और यहां पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर सीन के बाहर, तो बेटा क्या होगा कि ये अर्थ क्योंकि इसकी मैस बहुत बड़ा है ये अपनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ठीक है। तो सपोज इसका वेट है W is equal to mg, तो बेटा इसका जो वेट है ये वाला ये किसकी वजह से है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है। तो हमने ये बात याद रखनी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर में लाए कर रहा है वो अर्थ की वजह से डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेगा। और बेटा आपको पता है कि जो ग्रेविटी की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई इसकी वैल्यू क्या है 6.673 × 10⁻¹⁷ ठीक है, इतनी वैल्यू होती है। ये देखिए कितनी कम वैल्यू है माइनस इलेवन का मतलब 0.000 बहुत यानी कि -10 पॉइंट आप इसके पीछे लगा देंगे तब ये वैल्यू बनेंगे, ये एक वन वैल्यू नहीं बन रही है वाली। तो बेटा ग्रेविटी की वैल्यू इतनी स्मॉल है कि हम इसे फील नहीं कर सकते ठीक है, हमें बजाय नजर आ रहा है कि ऊपर स्टील नीचे तरफ गिर रही है लेकिन हम उसे फील के जो ग्रेविटी है उसे फील क्यों नहीं कर रहे। बेटा उसकी रीजन क्या है कि ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है, ग्रेविटी की वैल्यू कम होने की वजह से हम इस ग्रेविटी को अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन हम देख सकते हैं लेकिन फील नहीं कर सकते ठीक है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के बाहर लाए कर रहा है तो उसका जो वेट है ठीक है वो किसकी वजह से होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, अर्थ ही अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और जब अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड टूवर्ड द अर्थ लाए करेगा ठीक है। बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस किया, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इसमें आपने मैंने बताया पेज नंबर 107 पे जहाँ से पिंक बॉक्स टू हो रहा है वहाँ से लेकर, और आपने एक हेडिंग पढ़ी होगी नेक्स्ट पेज पर जाके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उससे पहले पहले सारा ये लॉन्ग क्वेश्चन करना है यानी 108 पेज का। क्लियर बेटा, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बेटा आप उसे पूछ लीजिए कमेंट्स में, बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए बेटा इसे तैयार करें और अल्लाह हाफिज़।